गैस सो फार इस कोर्स में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। हमने प्रोजेक्ट्स देखे, हमने ये देखा कि किस तरह हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं HTML से CSS। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बॉक्स शेडो की और टेक्स्ट शेडो की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक नई फाइल बनाऊँगा, मैं इसका नाम रखूँगा tut34.html, tut34.html। और मैं यहाँ पर जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ HTML की, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। और देखना ये क्या होती है, एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। मैं यहाँ पर div डॉट कंटेनर बनाऊँगा और इसके अंदर div डॉट कार्ड बनाऊँगा और ID दे दूंगा उसको कार्ड डैश डॉलर मल्टीप्लाई बाय 3 की। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 ID दे दो सबको, 3 कार्ड बना दो, ठीक है। बस इतना ही हुआ। कार्ड 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, कार्ड 2 लिख दिया यहाँ पर, कार्ड 3 लिख दिया यहाँ पर। और देखो यहाँ पर मैं इसको लाइव सर्वर से चालू करता हूँ, देखना कैसा दिखेगा ये। कुछ नहीं, कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 आ गया। वैसे अगर इसमें हेडिंग लगाता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से ऐसे कर लेता हूँ, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लगा लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कौन सी हेडिंग लगाऊँ, H1 H2 H3 H2 लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से H2 लगाऊंगा और ये मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स करते हुए एंड दबाते हुए कंट्रोल वी कर दूँगा, ठीक है। बढ़िया, तो ये मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करनी चाहिए यार VS कोड की, काफ़ी काम की है। अब यहाँ पर कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल यहाँ पर लिखकर जल्दी से आप लोगों को बिना बताए, आप लोगों को बिना बताए डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा। बताऊंगा नहीं आप लोगों को क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बात कर ली है फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। अब तो डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगा तो आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। उसी के साथ साथ जो कार्ड है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे 23 पिक्सल्स, 12 पिक्सल्स, और उसी के साथ साथ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करेंगे और यहाँ पर लॉरम 34 से मुझे कुछ प्यार है तो वही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पी लॉरम 34 और उसी के साथ साथ वापस से यहाँ पर पी, मैं मल्टी कर्सर यूज़ कर सकता था बट दिमाग जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। तो सिर्फ लॉरम लिख दिया यहाँ पर मैंने, तो ये 3 कार्ड बन गए देखो, ठीक है। पैडिंग भी दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल पैडिंग भी दे दो, सॉरी मार्जिन नॉट पैडिंग, मार्जिन भी दे दो 23 पिक्सल 12 पिक्सल, उतनी ही दे दो मार्जिन भी, ऊपर से ज़्यादा और साइडों से कम थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 बना लिया, 3 कार्ड बना लिए। अब मान लो कि मैं इसमें कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है जी, आप बैकग्राउंड दें इसमें या कोई बैकग्राउंड इमेज दें। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ, यहाँ पर इनमें से कोई भी चुन लेता हूँ, ये चुन लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। मैं काम करूँगा इसमें से ज़रा बॉर्डर हटा दूँगा अभी के लिए, और बॉर्डर हटा के आप लोगों को दिखाऊंगा कि बॉक्स शैडो कैसी दिखती है। तो बॉक्स शैडो का जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले तो आप बॉक्स शैडो लिखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, आप ऑफसेट एक्स लिखते हो, यानी कि एक्स में कितना ऑफसेट, मान लो 10 पिक्सल, वाई में कितना ऑफसेट, मान लो 23 तो ज़्यादा हो गया, मान लो 13 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, ये दोनों देने के बाद आप कलर देते हो। मान लो मैं यहाँ पर कलर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरह से मुझे बॉक्स में शैडो मिल जाएगी। अब मैंने ये नंबर थोड़े बड़े कर रखे हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको नंबर्स को थोड़ा छोटा कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर 13 पिक्सल दे रखा है, थोड़ा कम कर लेना इनको, अगर बहुत ज़्यादा लग रही है शैडो आप लोगों को। तो बेसिकली क्या होता है कि बॉक्स में आपके शैडो आ जाती है। अब ये जो नंबर्स होते हैं 2 पिक्सल 4 पिक्सल, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स अगर मैंने डाल दिए यहाँ पर उनका क्या मतलब होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कॉमेंट डाउट, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको ओवरराइड कर दिया प्रॉपर्टी को बट अगेन। तो क्या होगा कि ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो बॉक्स शैडो अगर आप लोगों को ऊपर डालनी है तब आप लोग नेगेटिव नंबर यूज़ करें, नीचे डालनी है तो पॉजिटिव यूज़ कर लें सिंटेक्स के साथ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, हम लोग एक ब्लर रेडियस भी दे सकते हैं। और ये ब्लर रेडियस क्या होती है, अगर मैं इसी सिंटेक्स को जिस तरह से लिखूँ, यानी कि मैंने लिखा यहाँ पर मान लो 7 पिक्सल लिखा और यहाँ पर लिखा मैंने मान लो 5 पिक्सल, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक और ब्लर रेडियस दे सकता हूँ। मान लो ब्लर रेडियस मैंने दे दी यहाँ पर 10 पिक्सल, और फिर देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है। अब देखना कि मैं जैसे जैसे ये जो ब्लर रेडियस है 10 पिक्सल, इसको बढ़ाता जाऊँगा, देखो ये कितना लाइट होता जा रहा है। और मैं इसको बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो देखो इस तरह से लाइट हो गया और ब्लर हो गया, पूरा फैल सा गया। और जैसे जैसे मैं इसको कम करूँगा ये क्रिस्प होता जाएगा।
तो ये ब्लर रेडियस क्या करती है कि कितना फैलाना है इस कलर को, वो डिसाइड करती है। तो ऐसी जो चमकीला ने से आपको अगर लेकर आनी है अपने बॉक्सेस में, तो आप इस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बॉक्स शेडो। अब हमने नेगेटिव वैल्यूज़ की बात कर ली, नेगेटिव वैल्यूज़ वापस से वही काम करेंगी इसमें भी। तो अगर मैं यहाँ पर वापस से इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ लगा दूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखो ये ऊपर आ जाएंगी, नीचे आने के बजाय ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लर रेडियस के साथ साथ एक और सिंटैक्स है जिसे कहते हैं स्प्रेड रेडियस। अब ये स्प्रेड रेडियस क्या करती है, तो मैं अगर यहाँ पर, मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, 34 पिक्सल ऐड कर दूँ और सेव करूँ, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा। और अगर मैं इसको 34 पिक्सल को कम करूँ तो क्या होगा कि मैं इसको स्प्रेडिंग जो है इसकी उसको कम कर सकता हूँ। तो स्प्रेड रेडियस क्या होती है, कितना फैलाना चाहते हैं आप अपनी शेडो को चारों तरफ, वो होती है आपकी स्प्रेड रेडियस। तो ये जो सिंटेक्स हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, या फिर अगर आपको याद भी नहीं रहते हैं तो आप रेफरेंस से देख लेना बाद में, अपनी कोई चीट शीट वगैरह बना लेंगे हम लोग, वो सब हम लोग कर सकते हैं बाद में। बट अभी यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स शेडो ऑफसेट एक्स और फिर उसके बाद ऑफसेट वाई और उसके बाद कलर। ये तो एक सिंटेक्स हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हो गया एक सिंटेक्स। और इसी के साथ साथ बॉक्स शेडो ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई और उसके बाद ब्लर रेडियस, फिर उसके बाद हम इसमें स्प्रेड रेडियस भी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर मैं कलर में RGBA का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये क्या मतलब है इस बात का, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर RGBA लिखूँ तो मैं रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने कुछ ये दे दिया और अल्फ़ा को दे दिया मैंने 0.4, उप्स मैंने गलत जगह पर लिख दिया, अल्फ़ा की जगह मुझे देना चाहिए था 0.5 दे देता हूँ मान लो। तो ये देखो कलर ये कुछ ऐसा बना, मान लो कि मैं इस कलर को देना चाहता हूँ और अल्फ़ा को मैं कर देता हूँ कम मान लो, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कर दिया RGBA, हाँ ठीक है RGBA। तो मैं कुछ इस तरह से RGB और अल्फ़ा यहाँ पर कर सकता हूँ। अल्फ़ा क्या करता है, अल्फ़ा बेसिकली क्या करेगा, कितना डार्क रखना है कलर को वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह से सेव करूँ और यहाँ पर आप लोगों को लेकर जाऊँ, तो देखो अगर मैं इसके अल्फ़ा को कम कर दूँ, यहाँ पर देखना मैं अल्फ़ा को कम करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 0.5 है, 0.5 के बाद 0.6 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 0.2 कर दिया अगर मैंने तो ऐसा हो गया, देखो 0.2 0.6 डार्क है, 0.9 और डार्क है, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या करेगा, डार्कनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो आई होप कि आप लोगों को अल्फ़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ वापस से, और मैंने काफ़ी इसको अगली बना दिया है उल्टी सीधी बॉक्स शेडो देके, और इसमें यहाँ पर मैंने बॉक्स रेडियस ब्लर रेडियस सॉरी और स्प्रेड रेडियस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है मैंने। और मैं बस आप लोगों को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें किस तरह काम करती हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये एक वेबसाइट है जो कि मैं अपनी होस्ट करने वाला हूँ, नहीं ऐसी कोई वेबसाइट हम होस्ट नहीं करेंगे, बस एक फ्लैक्सबॉक्स इस्तेमाल करके आप लोगों को थोड़ा मुझे दिखाना था कि किस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पर हम लोग इनसेट अगर लिख दें, अब जैसे देखो हमने यहाँ पर जो बॉक्स शेडो देखी वो बाहर की तरफ आ रही थी, अगर मैं चाहता हूँ बॉक्स के अंदर घुसे शेडो तब मैं क्या करूँगा, और तब काम आता है इनसेट का। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बॉक्स शेडो लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले इनसेट, मान लो मैं लिख दूँ 3 पिक्सल 5 पिक्सल और उसके बाद ग्रीन, ठीक है। और देख रहे हैं ये इनसेट क्या करता है, तो ये इनसेट क्या करता है, अंदर की तरफ को बढ़ा देता है मेरी रेडियस को बॉक्स शेडो को। तो ये देखो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा ये बॉक्स शेडो अंदर की तरफ घुस रही है। तो अगर आप अंदर की तरफ चाहते हैं बॉक्स शेडो तो आप इनसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप लोग मल्टीपल शेडोज़ लगाना चाहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा शेडो लगाना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह कॉमा सेपरेटेड ये दे सकते हैं जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं, और ये क्या करेंगी मल्टीपल शेडोज़ दे देंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ग्रीन और रेड दो अलग अलग बॉक्स शेडोज़ यहाँ पर दिए हैं, तो देखो यहाँ पर ग्रीन और रेड दोनों ऐड हो गई है एज बॉक्स शेडो। तो मैं जो ये मैंने इसके ऑफसेट्स दे रखे हैं इनको मैं कम छोटा कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर उसी हिसाब से इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, मल्टीपल शेडोज़ लगा सकते हैं, मल्टीपल बॉक्स शेडोज़ लगा सकते हैं अपने कंटेनर्स में, अपने कार्ड्स में, या जहाँ पर भी आप बॉक्स शेडो यूज़ कर रहे हैं।
सो आई होप कि आप लोगों को जो बॉक्स शेडो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, थोड़ा टेक्स्ट शेडोज़ के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ दिस इज सी प्लस प्लस कोर्स, यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज HTML कोर्स, और यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ आई हैव स्टार्टेड सी प्लस प्लस कोर्स विच डज नॉट मीन दैट वी विल स्टॉप दिस कोर्स, वी विल कंटिन्यू दिस कोर्स टू कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि सी प्लस प्लस कोर्स चालू हो गया, इसका मतलब ये नहीं है ये कोर्स रुक जाएगा, ये कोर्स भी कंप्लीशन तक जाएगा। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा देखना, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अब टेक्स्ट शैडो का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो क्लास इज इक्वल टू कार्ड है मेरी, जिसमें मैंने बॉक्स शैडो अभी दे रखी थी, मैं काम करूँगा, मैं कहूँगा उसके अंदर जो H1 है आपको क्या करना है, उसमें टेक्स्ट शैडो देनी है। और टेक्स्ट शैडो देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट शैडो, फिर आपको ऑफसेट देना पड़ेगा, कलर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 3 पिक्सल 4 पिक्सल, और कर दूंगा यहाँ पर क्या, मान लो रेड कर दिया मैंने। ठीक है, और सेव करूँगा इसको जैसे ही, तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या इशू आया, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी क्या। मैंने इसको सेव भी किया, टेक्स्ट शैडो भी लिखा, कार्ड के अंदर H2, ओके मैंने H1 लिख दिया यहाँ पर, मुझे H2 लिखना था क्योंकि H2 है। और यहाँ पर देखो मुझे टेक्स्ट शैडो जो है वो मिल गई है। अब ऑब्वियसली ये अच्छी नहीं दिख रही है, बट अगेन आप लोग इसको अच्छा बना सकते हो अच्छे से एडजस्ट करके, अच्छे से कलर्स को देख के। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहीं के यहीं आप ये सारे काम कर लिया करो, जैसे कि यहाँ ब्लैक कर दिया मैंने इसको, या फिर वाइट कर दूंगा मैं, क्योंकि कलर टेक्स्ट का ऑलरेडी ब्लैक है। तो ये जो पिक्सल्स हैं, ये जो ऑफसेट्स हैं, इनको भी आप कम कर लो ऐसे। और ये देखो अभी ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है टैक्स शेडो जो है दे सकते हो। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से टैक्स शेडो दी है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ, तो मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट, और मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई, और उसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर ब्लर दे दूंगा। मान लो ब्लर मैंने दे दिया 2 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पिक्सल यूनिट्स यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोग रैम यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पिक्सल ही यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर पहले वाइट रखा था इसको, और इसको मैंने 2 पिक्सल रखा था ऑफसेट वाई को। और अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये जो हमारा ब्लर है इसको मैं जैसे ही कम करूँगा या बढ़ाऊँगा, ये देखो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ब्लर इफेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, अपनी टेक्स्ट शैडो में। अब इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और चीज़ें कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं कलर इसका, और कलर चेंज करके हम लोग और अच्छी टेक्स्ट शैडोज ला सकते हैं। तो टेक्स्ट शैडो कब यूज़ करेंगे, अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कभी आपके पास इमेज है और उस पर टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, और आपको थोड़ा सा उसको ज़रा सा लाइट बनाना है, तो आप हल्की सी टेक्स्ट शैडो एक डाल देंगे तो काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा। सेम गोज़ विद आपका ये जो बॉक्स है, इसमें कभी कभी लगता है कि बैकग्राउंड का कलर और जो आपका डब्बा है उसका कलर सेम हो जाता है कभी कभी। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में आप लोग ये जो आपकी बॉक्स शेडो है उसको इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो नेगेटिव वैल्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट बताया था बॉक्स शेडो में, वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर मैंने इनको ही नेगेटिव कर दिया तो जो हमारी शैडो है वो ऊपर की तरफ दिखेगी, कंट्रोल एस किया मैंने, और ये देखो ऊपर की तरफ जा चुकी है शैडो। तो आप लोग इस तरह से टेक्स्ट इफेक्ट्स बनाएं मैं कहूँगा, और टेक्स्ट इफेक्ट्स बना के मुझे भी दिखाएं। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह काम करता है। अब अगेन हमने जो एक टेक्निक सीखी थी पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने स्यूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल करके, बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल करके हमने देखा था किस तरह से हम एक इफेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम इमेज पे टेक्स्ट को रेंडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर टेक्निक है अगर हम एक इमेज पे टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बट कभी कभी जो टेक्स्ट शेडो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है, और उसी के साथ साथ जो आपकी बॉक्स शेडो है वो भी कभी कभी आपको बहुत काम देगी, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को टेक्स्ट को या फिर आपके डब्बों को आपके बैकग्राउंड में रेंडर करने में मदद करेगी। सो अगर आप लोगों ने कहीं अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, तो कहूँगा जल्दी से एक्सेस कर लें, और सारे वीडियोज़ यहीं पर ऐड होते जाएंगे। बाय एनी चांस कभी कभी आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती है, और ऐसा कई बार होता है, मैं काफ़ी कोर्सेज पैरेलली चलाता हूँ इस चैनल पे, तो होता क्या है कि ज़्यादा वीडियो डालने की वजह से सारे नोटिफिकेशन सबको नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको
बुकमार्क करें और रेगुलरली विजिट करते रहें, क्योंकि अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट करेंगे तो कभी कभी नहीं आती है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया एनीवेज, तब तो आने वाली नहीं है नोटिफिकेशन आपको। बट एनी इन एनी केस आपको अगर नहीं आती है नोटिफिकेशन, आपने अगर सब कुछ कर रखा है, तो मैं कहूँगा कि इसको विजिट करते रहें रेगुलरली। आप बुकमार्क कर लें इसको और इसको सेव कर लें प्लेलिस्ट को यहाँ पर। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इन वीडियोज़ को लाइक करते रहें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।